लीग आधार पे कराया जाने वाला यह टूर्नामेंट 15 पॉइंट का बेस्ट ऑफ थ्री हर मुकाबला। जिस तरह से अभी देखा आपने, चेंज करा डीसीसी ने अपने लिए, अनिकेत के हाथों में गेंद सर्विस। डीसीसी ने अपने लिए पॉइंट अर्जित किया, 1 love 1-0। डीसीसी 1-0। इस बॉल का कोई जवाब नहीं किसी भी टीम के पास। चलती हुई गेंद पे स्पेस करना अटैक लाइन में या सेंटर लाइन में, बॉल को उठाया जाए। बिल्कुल वैसे ही चेंज लिया डीसीसी के खिलाड़ी ने, स्पोर्ट्स क्लब और अल्फा कॉर्पोरेशन के बीच। बहुत अच्छी सर्विस अनिकेत, सर्विस के जरिए से एक पॉइंट अर्जित किया उन्होंने, 2-0। हेलो, इस तरह से अली फिश्ती, बहुत अच्छे 3-0। डीसीसी इस बार काफी कुछ जौहर दिखाते हुए डीसीसी के खिलाड़ी। अच्छी सर्विस लेकिन महा उपलाचा इस वैस। अच्छा चेक वहां डीसीसी का, 3-0। अरिफ स्टील ए के खिलाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है डीसीसी के सामने। नंबर के जर्सी के खिलाड़ी अरिफ स्टील के खिलाड़ी, जो कि कम उम्र है लेकिन बहुत अच्छा स्मैश करते हैं, जब भी मौका मिला उन्होंने चेन लिया अपने लिए। बहुत अच्छा चेन ले लिया है वहां। डीसीसी डीसीसी 4-0। तो इस तरह से अनिकेत की सर्विस, और उस सर्विस का ही जवाब नहीं है अरिफ स्टील के पास, 6-0। खिलाड़ी ने निकाला और इस तरह से 7-0 7-0। काफी कुछ करना होगा अरिफ स्टील को डीसीसी के सामने। न्यू इंडिया स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, जो कि अल्फा कॉर्पोरेशन के साथ उनका मैच होना है, और आउट मार गए खुशी में अनिकेत। आपको मंजिल को पाना है तो बहुत कुछ करना होगा। डीसीसी 7-0। आउट मार गए। इस तरह से एक पॉइंट अर्जित किया अरिफ स्टील ने अपने लिए, एक पॉइंट के साथ शुरुआत करी है उन्होंने इस गेम में।
और सर्विस, अच्छी सर्विस वहाँ जगह देख करके निकाला उन्होंने, उनसे चेंज ले लिया 7-1। काफी हमारे दर्शकों को काफी लज्जतें मिल रही हैं इस मैच में, काफी मजा आ रहा है क्योंकि डीसीसी नासिक जो कि काफी मेहनत कर रही है और अनिकेत ये दूसरी बार है जबकि इस गेम में उन्होंने सर्विस को फंसाया है। अरे बिशीर की सर्विस कॉमन गेंद 1-7 आउट 7-1 पे मुकाबला रुका हुआ। उस स्टूल को लाखों चने चबवाते हुए डीसीसी के खिलाड़ी फिर से चेंज मिल गया, इस बार तैयार नहीं थे खिलाड़ी और ना पॉइंट था उनकी टीम के लिए। बहुत अच्छे शॉट, फाउल पकड़े गए, एक पॉइंट मिला अली बिश्तील को। डीसीसी 7-2। अच्छी शॉट, बहुत बेहतर स्मैश, हमारे रीगल स्पोर्ट्स क्लब के सभी मेंबरान की जानिब से आए हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और हमारे रीगल स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से बैठे हुए सभी मेहमान खास करके फिदा हुसैन साहब, सन मेटल इंटरप्राइजेस के शकील अहमद और रईस और जो भी हमारे मेहमान बैठे हुए हैं सभी का रीगल स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से ये उम्मीद है कि हमारे इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाएं और आखिर तक ले जाएं। अच्छी शॉट, फिर से जागी है अली फिश्ती, 1-18 2-8। डीसीसी टीम अगर ये मैच मारती है तो कैश की तरफ से 500 रुपये। और हमारे आए कुछ खास मेहमान जिसमें प्रशांत खराज साहब और शमीम शेख साहब, हमारे रीगल स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से इनका बहुत बहुत स्वागत है। रीगल स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से सभी लोगों की जानिब से तहे दिल से स्वागत है। प्रशांत खराज और शमीम शेख साहब जो कि हमारे स्टेज पे हाजिर हैं। हमारे इस महफिल में हाजिर है प्रशांत खराज साहब जो कि राष्ट्रवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं नासिक जिले के, और शमीम शेख साहब उनके साथ में हमारे खास मेहमानों में बैठे हुए हैं और उन्हीं के बीच ये बहुत अच्छा मुकाबला जो कि डीसीसी और फाउल पकड़े गए वहां 2-3-8 प्राइस के
ओनर के स्टील वायर के ओनर नसीम खान साहब भी हमारे बीच जलवा अफरोज है। इस बेस्ट ऑफ थ्री के मुकाबले में पहला सेट जो है अलिफ स्टील ने जीत लिया है आसानी से, दोबारा 5-8। और आउट। इस मैच के तुरंत बाद एक मुकाबला होना है जो कि अल्फा कॉर्पोरेशन आलम चौधरी जिसके ऑर्गेनाइजर हैं और दूसरी टीम है न्यू इंडिया स्पोर्ट्स क्लब जिसमें शब्बीर भाई न्यू इंडिया होटल के प्रोप्राइटर उसके ऑर्गेनाइजर हैं। ये दोनों टीमों के बीच बहुत अच्छा मुकाबला होगा। लीगल स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से निवेदन है कि हमारे इश्तियाक सिद्दीकी साहब स्टेज पे आए, उनका तहे दिल से स्वागत किया जा रहा है। इश्तियाक सिद्दीकी साहब स्टेज पे आ जाए। लीगल स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक खुली हुई जगह में बहुत अच्छी सी शॉट निकाल करके अपने आप ने लिए चेंज लिया है अलिफ स्टील ने। इश्तियाक सिद्दीकी साहब जो कि रौनक अफरोज स्टेज हूं, उसके अलावा प्रशांत खराज साहब, शमीम शेख साहब, उसके अलावा हमारे दाएं जानिब हमारे साहिब आलम साहब की जानिब तशरीफ फरमाए फिदा हुसैन साहब, सन मेटल के ऑर्गेनाइजर शकील अहमद, रईस भाई नाज पेट्रोलियम के मालिक, और आलम भाई जो कि के स्टील वायर के ब्रादरान में से आते हैं, आलम गैरेज के प्रोप्राइटर हैं और के स्टील वायर के ऑर्गेनाइजर के भाई हैं। इन लोगों ने काफी सहयोग किया है हमारे लीगल स्पोर्ट्स क्लब के मेंबरों का, जिससे कि उनकी हौसला अफजाई हुई, उन्होंने इतनी मेहनत की और उनकी मेहनत आज रंग लाई। काफी दर्शक और संयोजक आयोजक के बीच में काफी दर्शक जो कि मनोरंजन उठा रहे हैं चेकआउट कराने में कामयाब। 9-7 अभी भी डीसीसी बढ़त बनाए हुए है, अगर डीसीसी को मैच में बने रहना तो मैच जीतना ही होगा। साहब की तरफ से 50,000 रुपए नगद इनाम दिए जाएंगे और उन्होंने खुद एक टीम को ऑर्गेनाइज किया है, उनकी टीम अपना एक मैच जीत करके बैठी हुई है। हमारे संयोजक बताएंगे उनका दूसरा मुकाबला कब होगा, हमारे मनोरंजन के लिए हमारे दर्शकों को कब देखने मिलेगा। एक पॉइंट अर्जित किया अलिफ स्टील ने, काफी पिछड़े हुए थे, करीब 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 पहुंच गए हैं। 8-9 का मुकाबला, 8-9 मिसेज के साथ ये शुरू हुआ गेम। और ये देखिए फिर से फाउल पकड़े गए अलिफ स्टील के खिलाड़ी, फिर से चेंज 9-8। हमारे स्टेज पे काफी बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं, जिसमें से प्रशांत खराज साहब जो कि राष्ट्रवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, शमीम शेख साहब, उसके अलावा इश्तियाक सिद्दीकी साहब, और भी हमारे बहुत सारे बिरादरान, हमारे बगल में साहिब आलम साहब, मकसूद आलम साहब जो कि WPC कांच ग्रुप टीम के ऑर्गेनाइजर हैं, जिसमें कि मुख्तार भाई भी शामिल हैं। और देखिए फिर से चेंज करा लिया है उसे WDCC ने अपने लिए। इस तरह से मैच मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, और हमारे दर्शक ध्यान दें कि इसके बाद एक मैच होना है जो कि अल्फा कॉर्पोरेशन और न्यू इंडिया स्पोर्ट्स क्लब के बीच होगा। इस तरह से मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, फर्स्ट प्राइज जो है 1,00,000 रुपए नियुक्ति अंगोली साहब की जानिब से, सेकंड प्राइज है नसीम खान के स्टील वायर की जानिब से,
फिर से आउट मार गए अनिकेत। तो इस तरह से चेंज मिला आरिफ स्टील को, आरिफ स्टील सर्विस करेगी, चेक आउट, चेक करा तो बहुत अच्छा हुआ था लेकिन डिफेंस नहीं कर पाया आरिफ स्टील। 11-8 11-8 तीन पॉइंट से पिछड़ती हुई आरिफ स्टील एक ही टीम। अनिकेत लगातार दो सर्विस फंसा चुके हैं, आठ और ग्यारह। फाउल पकड़े गए वहां शिवम। आरिफ स्टील 9-11 जगह टेक करके चेंज लिया अपने लिए 11-9 11-9 सर्विस कंटिन्यू बीसीसी की जानिब से। आरिफ स्टील को अगले मैच में अगर मेहनत नहीं करनी है तो ये मैच ये सेट जीतना होगा। बहुत अच्छा ब्लॉक 10-12 हमारे रीगल स्पोर्ट्स क्लब के वॉलीबॉल टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में हमारे आए हुए सारे मेहमानों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। 11-12 11-12 11-12 12-12 बराबर 12-12। अनिल फिर से अपनी लय को पाती हुई 12 बराबर। डीसीसी मैच को बचाना है, बहुत अच्छा चेंज। डीसीसी अगर मैच को जीतती है तो 500 रुपया कैफ एमके प्लाई की जानी से, मोहम्मद कैफ एमके प्लाई की जानी से 500 रुपए। अनिकेत की सर्विस बहुत अच्छी सर्विस, फाउल पकड़े गए वहां आरिफ स्टील के खिलाड़ी। 13-12 फिर से डीसीसी एक पॉइंट की बढ़त बना लिया है। अल्फा कॉर्पोरेशन न्यू इंडिया स्पोर्ट्स क्लब तैयार है। बारह तेरह अल्फा कॉर्पोरेशन और न्यू इंडिया स्पोर्ट्स क्लब दोनों रेफरी में तैयार हैं। इसके इस मैच के तुरंत बाद उनका मैच कराया जाएगा। हमारे आए हुए मुख्य मेहमान प्रशांत खराद साहेब जो कि शहर अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी के हैं, और उनके साथ शमीम शेख साहब, दोनों जन का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो खास मेहमान यहाँ बैठे हैं अब्दुल आलम साहब, नसीम खान साहब जो सेकंड प्राइज के ऑनर हैं, के स्टील वायर के ओनर हैं,
उसके अलावा फिदा हुसैन साहब और आलम खान साहब, उसके अलावा उनके साथ बैठे हुए फिदा हुसैन साहब, संगठन के प्रोप्राइटर शकील अहमद साहब और नास पेट्रोलियम के प्रोप्राइटर रईस भाई, सारे लोगों का, जो भी मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया रीगल स्पोर्ट क्लब की जानिब से। बहुत अच्छा हुआ इस तरह से 15 गेम अप, डीसीसी ने मैच को जीत लिया है। बहुत अच्छा मुकाबला।